अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सिंध में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी का मामला, सिंध हुकूमत ने SHOs को भी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। महकमा दाखिला सिंध ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SOPs के खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों सनत और दफातर में कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर कर सकेगा। इससे कबल कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स असिस्टेंट कमिश्नर्स को हासिल था। पुलिस इंस्पेक्टर SHO सिंध वबाई अमराज एक्ट की Section 3 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। मुहर्रमुल हराम में अमनो अमान के क्याम के सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी हिदायत पर कन्वीनियर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब, चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद, खतीब इमाम बादशाही मस्जिद लाहौर की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब का काफिला अमन, जिसमें तमाम माकताब फ़िक्र के जदुल उलमाए कराम, जिसमें मौलाना मुफ्ती मुबशर अहमद, सरदार मोहम्मद खान लगारी, मौलाना अब्दुल वहाब रोपड़ी, अलामा रशीद तराबी, अलामा अब्बास काजी, मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी, मौलाना तारिक, मौलाना नाफे, मौलाना नदीम कमर, मौलाना मसूद कासिम कासमी, मौलाना आजम नईमी, मौलाना आसिफ अकबर, मुफ्ती इमरान और अनवर निज़ामी, सैयद नूर पहाड़ शाह, हुसैन मेहंदी, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शाह, मौलाना काजी अब्दुल गफ्फार, सैयद मजहर फरीद, सैयद जवार हुसैन बुखारी, सैयद मुरीद अब्बास, खलीलुर रहमान, कारी अतीक, साहबजादा फ़ियाज़ुल हसन गिलानी और साहबजादा अब्दुल बसीर आज़ाद साहिवाल पहुँचा, जहाँ मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने साहिवाल डिवीज़नल इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी, RPO साहिवाल अहमद अरसलान मलिक, डिप्टी कमिश्नर्स, DPO साहिबान और तमाम माकताब फ़िक्र के जदुल उलमाए कराम और मशाइख अज़्ज़ाम और अमन कमेटियों के मेम्बर भी मौजूद थे। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में अमन व सलामती का क्याम पूरी कौम की जिम्मेदारी है। उलमा और अवाम मुत्तहिद होकर वतन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और पैगाम पाकिस्तान को मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत और इंतजामिया के साथ साथ तमाम माकताब फ़िक्र, उलमा, मजहबी रहनुमा और अवामुन्नास पर यह भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वह मुत्तहिद होकर अमन व सलामती के दुश्मनों के तमाम नापाक अज़ाइम और मजमूम इरादों को खाक में मिला दें। मुहर्रमुल हराम में अमन को यकीनी बनाने के लिए उलमा और मशाइख अपना भरपूर किरदार अदा करें। मुल्क में अमन के लिए पाक फौज का किरदार नुमाया है, जिसे हम खराज तहसीन पेश करते हैं। अब जबकि मुहर्रमुल हराम की आमद है, इस वक्त हम सब पर फर्ज आयद होता है कि हम बहैसियत कौम अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी निगाह रखें। मुहर्रमुल हराम में अमन को यकीनी बनाने के लिए उलमा रहनुमा अपना भरपूर किरदार अदा करें और इस ज़रिए उसूल पर कारबंद रहें कि अपने मसले को छोड़ नहीं और किसी के मसले को छेड़ो नहीं पर अमल पैरा हो, ताकि हमेशा की तरह भी किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। इजलास में तमाम उलमा और मंदोबीन ने अपने खिताबात में कहा कि साहिवाल डिवीज़न हमेशा से अमन का गहवारा रहा है और कभी यहाँ पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। यहाँ से आपको अमन की खुशबुएँ आएंगी। आप बिल्कुल इसी ज़मन में बेगम रहें। हम तमाम मसालिक यहाँ पर मुत्तहिद हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पर कोई मसला नहीं है। हम सब इंतजामिया के साथ मुकम्मल तआवुन कर रहे हैं। आप वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार को हमारी तरफ से ये इत्मीनान दिलाएँ कि साहिवाल डिवीज़न में तमाम माकताब फ़िक्र के उलमा और आवाम साथ हैं और आपस में किसी किस्म का कोई नज़ा नहीं है। यहाँ हमेशा अमन की बात होती है और होती रहेगी, क्योंकि यह हमारी अव्वलिन जिम्मेदारी है। इजलास के आखिर में मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने बताया कि अशरा मुहर्रमुल हराम में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी में शामिल तमाम माकताब फ़िक्र के उलमाए कराम पंजाब भर में दौरों के लिए वफ्द पर जा चुके हैं, जो कि अमनो अमान के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखें। हैदराबाद पुलेली पुलिस की कार्रवाई में मुजरे सेहत मेनपुरी फरोश खाम माल मेनपुरी समेत गिरफ्तार। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख के अहकामात की रोशनी में पुलेली पुलिस की समाजी बुराइयों में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना पुलेली SHO इंस्पेक्टर नियाज अहमद पनहूर की SIP इमदाद अली चांडियो और दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मौके तला पर कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत मेनपुरी फरोश सलीम शाह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 2 अदद कटे खाम माल और 530 अदद मुजरे सेहत मेनपुरी बरामद हुई। फुलेली पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ गुटका एंड मेनपुरी एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
साहिवाल जिले इंतजामिया की नाअहली और गफलत का मुंह बोलता सबूत। गुज़श्ता दो रोज़ होने वाले हादसात की वजह से न्यू चौधरी बस का शहर से गुजरना बंद कर दिया गया, मगर जिले इंतजामिया की तरफ से अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। आज भी तकरीबन 6:40 पे बस नंबर LRJ 6912 जहाज ग्राउंड रोड से गुजर कर तमाम इंतजामिया को मुँह चढ़ाती हुई गुजारी। नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद भी इस कातिल बस का साहिवाल शहर से गुजरना बहुत से सवाल पैदा कर रहा है। क्या ये इस कदर बासर लोग हैं जिसके सामने ज़िले भर की ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, RTA सेक्रेटरी वगैरह सब बेबस हैं? क्या ज़िले इंतजामिया किसी और बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है? कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, RTA सेक्रेटरी साहिवाल, DPO साहिवाल, DSP ट्रैफिक साहिवाल, DSP पेट्रोलिंग पुलिस से आवाम का मुतालबा है कि इस बस सर्विस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आवाम हादसात से बच सकें। हुसैनाबाद पार्क अरसा दराज से ख़राब और खानाबदोशों की अम्माज का बना हुआ था, लेकिन DGHDA गुलाम मोहम्मद कायम खानी साहब ने इस पार्क की अहमियत का इजहार करते हुए कहा कि इस पार्क को असर नौ तामीर करके हैदराबाद की आवाम को मयारी तफरी फराहम करेंगे। DGHDA गुलाम मोहम्मद कायम खानी साहब ने पार्क की तामीराती काम शुरू किया तो विंग कमांडर रेंजर का भी तआवुन हासिल रहा और क्लीन एंड ग्रीन हैदराबाद के नाम से शुरू होने वाली काविशों को सराहते हुए रेंजर्स ने भी DGHDA गुलाम मोहम्मद कायम खानी साहब के कदम से कदम मिलाकर हैदराबाद को साफ और हरा भरा बनाने, DGHDA गुलाम कायम खानी साहब के मिशन में आने वाली रुकावट और हैदराबाद की आवाम को शऊर बेदार किया। DGHDA गुलाम मोहम्मद कायम खानी साहब ने अपने इदारे की टीम को हर साजो सामान से आरास्ता किया और जगह जगह पौधे लगाने की मुहिम को पूरा किया और हैदराबाद में फैलाया। इस वक्त हुसैनाबाद पार्क की तामीरात जारी है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सोमरू की हिदायत पर ताल्लुका लतीफाबाद में जारी पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर लतीफाबाद फातिमा साइमा अहमद ने ताल्लुका लतीफाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहां मौजूद पोलियो टीमों के साथ जाकर घरों में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए, जबकि इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर लतीफाबाद ने पोलियो टीम के हमरा वैक्सीनेशन कार्ड भी चेक किए। पाकिस्तान आर्मी के जवान शानी बट के दावत वलीमा के मौके पर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन हाफिजाबाद रजिस्टर्ड के सदर चौधरी शहबाज खान छतड़ के साहबजादा साबिका कबड्डी कैप्टन और ब्यूरो चीफ AZ न्यूज़ चौधरी अब्बास खान छतड़ और ज़िला हाफिजाबाद कबड्डी के सीनियर अहदेदारान और खिलाड़ियों के अलावा पाकिस्तान के नामवर नेशनल और इंटरनेशनल कबड्डी के खिलाड़ियों ने शिरकत की। दावत वलीमा का अहतमाम दीवान खास मैरिज हॉल में किया गया। दावत वलीमा के मौके पर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर अदरीस पहलवान, कबड्डी कोच उस्ताद अब्दुल गफ्फार, उस्ताद इफ्तिखार सेठ सुलेमान अली वड़ाइच, बगी भट्ट, बाऊ डोगर, अहमद रजा शर्फी, खिजर डिप्टी, जानी सनियारा, तबशर जट, अली नवाज और इसके अलावा नवाज इस्माइल, राय फयाज अहमद, मुनीर कबड्डर, खुरम शहजाद, मुदस्सर अंसारी, आबिद कमोर, उनके अलावा शहर की कसीर तादाद में लोगों ने दावत वलीमा में शिरकत की। आने वाले तमाम मेहमानों ने शानी भट्ट को शादी की मुबारकबाद भी दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। नैब बलोचिस्तान एक नज़र करम, इधर भी करोड़ों रुपए के फंड से ज़िला सोबतपुर की तहसील मांझीपुर हिंदू कम्युनिटी के लिए बनाए गए शमशान घाट की टफ टाइल रोड जो कि नाकारा बनी है उसमें बयाना तौर पर करप्शन की गई है। दिनेश कुमार साबिक MPA बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबों पर जिन लोगों ने करप्शन करके हाथ साफ किए, ठेकेदार समेत मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की जाएँ। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और दीगर अरबाब इख्तियार हुकाम फौरन नोटिस लें, हम बदलेंगे तो ज़माना बदलेगा। हैदराबाद में ASP UT का कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख की खसूसी हिदायत पर ASP UT राना मोहम्मद दिलावर का कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के सबब तश्वीशनाक हालत की सूरत में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का निफाज किया गया है, जबकि शहरियों में कोरोना वैक्सीनेशन लगाने के लिए शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। ज़िले हुकूमत की जानिब से मरकजी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स न्याज स्टेडियम, भटाई अस्पताल और इस्लामाबाद तालुका अस्पताल में कायम किया गया है, जहां आज ASP UT राना मोहम्मद दिलावर ने दौरा करके वहां सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर ASP UT राना मोहम्मद दिलावर ने वहां मौजूद मेडिकल स्टाफ से मुलाकात में वैक्सीनेशन के हवाले से बातचीत की। वैक्सीनेशन लगवाने आए शहरियों से उन्हें दरपेश मसाइल को सुना और वहाँ सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान और जवानों को सिक्योरिटी इंतजाम से मुतल अहम हिदायत जारी की।
हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज।